उमेरा रेलवे फाटक पर प्रस्तावित अंडरब्रिज निर्माण के लिए जिले के कप्तान डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सहित रेलवे प्रशासन एवं नगर पालिका निगम भिलाई की टीम द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, जिसके बाद अंडरब्रिज निर्माण का कार्य बहुत जल्द आरम्भ किया जा सकेगा। लगातार सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे रेलवे क्रॉसिंग पर भी भीड़ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से रेल पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर भी फर्क पड़ता है। इसी के मद्देनजर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेलवे फाटकों को बंद कर उसके समकक्ष अंडरब्रिज बनाने का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया है। इसी कड़ी में भिलाई के सुपेला रेलवे फाटक पर बढ़ते दबाव को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने इस फाटक को बंद कर इसकी जगह अंडरब्रिज बनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए शुक्रवार को रेलवे प्रशासन, नगर पालिका निगम भिलाई एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया। जिले के कप्तान डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने रेलवे प्रशासन द्वारा बनाए गए स्थल के मानचित्र को देखा एवं रेलवे प्रशासन के इंजीनियर से अंडरब्रिज निर्माण की पूर्ण जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे द्वारा इन फाटकों को बंद कर अंडरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे भारतीय रेल की रफ्तार और तेज की जा सकेगी एवं इन फाटकों से जाने अनजाने में होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। वहीं रेलवे प्रशासन द्वारा भी अंडरब्रिज निर्माण की जानकारी न्यूज टीम को दी गई। रेलवे क्रॉसिंग में बहुत कंजेशन हो जाता है, लोगों को परेशानी है, तो उसी को देखते हुए अभी एक नया अंडरब्रिज इसमें प्रपोज किया है और अपेक्षा है कि अगले माह तक इसका कार्य प्रारंभ होगा। इसके लिए ऑलरेडी टेंडर का प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है और इसमें जो नाला है उसको भी व्यवस्थापन के लिए व्यवस्था की है। कम से कम डैमेज करते हुए एक अच्छा अंडरब्रिज जो है यही रहा है। सर, मोरिया चंद्रा के पास एक पहले से अंडरब्रिज बना हुआ है जो कि सक्सेस नहीं है, बरसात में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए अंडरब्रिज से पानी निकालने के लिए इसमें थोड़े डिजाइनल चेंजेस किए हैं ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। सर, ये फाटक बंद हो जाएगा सुबेला, फिर इसके बाद ये फाटक जो है ये बेसिकली पूर्ण रूप से बंद रहेगा। पब्लिक ट्रैफिक आपका लगभग यहाँ का जो पासिंग है, टी हम लोग जो कहते हैं रेलवे में, वो लगभग 10 लाख से ज़्यादा है। इसलिए इसको रेलवे का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए इस हटाने में है, इनको अंडरपास देते हुए, पब्लिक की सेफ्टी कहते हुए इसको अंडरपास पास अंडरपास का हम लोग का वर्क सेंक्शन हो गया, टेंडर हो गई है। लगभग आपका एक महीना के बाद काम यहाँ चालू होना शुरू हो जाएगी कुछ क्लियरेंसेस के बाद। जिला कलेक्टर द्वारा सुपेला में बनने वाले अंडरब्रिज का स्थल निरीक्षण किया जा चुका है, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य अगले माह प्रारंभ भी हो जाएगा और बहुत जल्द सुपेला फाटक पर राहगीरों को ट्रेन की आवागमन के वक्त लंबे समय तक खड़े रहने से निजात मिल पाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।